स्ट्रगल इज वन वे टू ओवरकम ऑल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। और हाउ विल यू स्ट्रगल, देखिए अभी अभी आप देखिए न्यूज़पेपर तो आप लोग पढ़ते नहीं, यू आर नेवर रीडिंग द न्यूज़पेपर। देर आर इन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स वेयर इवन द चिल्ड्रेन, यू नो यंग चिल्ड्रेन, स्कूल चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द लॉकअप, आई मीन पीरियड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ बाई यू नो एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज। इवन स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन वर्क आउट हाउ टू आई मीन कीप आर सेल्फ हेल्दी। You go through the newspaper and magazine, you'll find that several school children have prepared a project in which they have suggested the way to keep ourselves away from, you know, common diseases, not only COVID-19. This is one, I mean, infections we have encountered. This is the, I mean, worst example of infections that we have faced. But there are innumerable, I mean, diseases that you can overcome. So what does the girl want to convey through that struggle? Struggle is a way of life. If you can't face the struggle, you will never succeed. Every moment we are learning. Even today, we have passed 50 plus, yet we are learning. Every moment we are learning. And you know, honest work and honest struggle always leads to success. Nobody can stop you from reaching the summit of success if you are really honest in your work and if you have decided that yes, whatever may be the situation, I will face this situation and I will succeed. Nobody can stop. There are three things that matters for you. One is a study, which is the paramount importance. Studies cannot be ignored by the students. The only work that can make you different person is study. The second most important thing, punctuality. Punctuality in every way, not only in attending the classes, not only in studying. Do not let anything for tomorrow, because tomorrow never comes. So there is a proverb, don't put off till tomorrow what you can do today. Jo aaj karna hai usko kal ke liye mat chodo, kyunki kal kisi ne dekha nahi hai. You have never seen tomorrow. Tomorrow will be today for tomorrow. So there is nothing to, I mean, worry about. Face the challenges with courage and determination. Success will knock at your door. Nobody can stop you from becoming a successful person. और स्टूडेंट्स के लिए तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। द ग्रेटेस्ट वीपन दैट यू हैव नाउ इज अ स्टडी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी नरेटेड बाय माय फ्रेंड वेदिया सर, हु इज आल्सो हैविंग ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ही इज अ मैन हु बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। जो भी कुछ वो आज हासिल किए हैं अपने मेहनत के बदौलत हासिल किए हैं, और उस जगह से इन्होंने स्ट्रगल करके अपनी पहचान बनाई है जहाँ पर अभी भी लिटरेसी रेट कम है। क्या सर, एम आई राइट? तो आप हम बेदिया सर को माइक्रोफोन दे रहे हैं, he will talk to you. Thank you. आइए मैडम, यहाँ जाइए, आपका पिक्चर लिया जा रहा है, फोटोग्राफ में आइए, फोटोग्राफ में आइए जा रही है। ये अभी अगले ही महीने में तुम लोगों की रिबोर्ड होने वाला है, और उस रिबोर्ड के लिए इस जगह से बार बार ये कहा जा रहा है, ये ध्यान में दिलाया जा रहा है कि उसकी तैयारी करेंगे। तो उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे? केवल पढ़ाई करने से, केवल स्कूल आने से, केवल आते जाते रहने से उसकी तैयारी नहीं हो सकती। इसके लिए सबसे पहले आप अपना अपने मन में ये सोच लें कि समय का प्रबंधन करें। समय का प्रबंधन का मतलब होता है इंग्लिश में टाइम मैनेजमेंट। यस, बिल्कुल सही। और जब तक उसको आप नहीं अपने अभी समय में नहीं करते हैं तो वह संभव नहीं। समय का प्रबंधन करना सबसे जरूरी है। समय का प्रबंधन कैसे करेंगे? अभी पहले स्ट्रगल एक शब्द आया, संघर्ष। तो संघर्ष करने के लिए भी समय का प्रबंधन होना चाहिए। आप कब जगते हैं, कब ब्रश करते हैं, उसके बाद आप कब नाश्ता करते हैं, यानी कि एक दिन की जो दिनचर्या है उसको आप बांटें, और उसी में आप कितना पढ़ाई करते हैं।
सबसे अहम अभी आपके लिए पढ़ाई। घर में बहुत सारा काम होता है, लेकिन उन सब काम से बढ़कर अभी सबके लिए, आपके परिवार के लिए, तुम्हारे लिए, यानी सब सब छोड़कर अभी आपके लिए सबसे पहला काम है, और वह है पढ़ाई। अगर आपकी जिंदगी बन गई, आपकी जिंदगी संवर गई, तो दुनिया संवर गई। और अभी अगर यदि आप नज़रअंदाज करते हैं, अभी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, आपको लगता है ऐसा कि हम लोग तो ऐसे ही पास कर जाएंगे, ये भूल है। पास भी करने से क्या होगा, ये भूल है, वैल्यू है। इसलिए समय का प्रबंधन करें, समय से आप उस काम को करें, निश्चित तौर पर आपकी सफलता चरण चूमेगी, अन्यथा इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। क्योंकि संघर्ष एक ऐसी चीज है, वही सफलता की सीढ़ी पर वह ऊपर तक मंजिल तक पहुंचे। और अगर यदि आप संघर्ष नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल आना जाना होगा। और अभी यदि आप समय के साथ अगर धोखा करते हैं, समय के साथ यदि खिलवाड़ करते हैं, तो एक दिन समय आपके साथ खिलवाड़ करेगा। आज आपके आंसू पोंछने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आपकी सहायता करने के लिए हजारों हाथ खड़े होंगे, लेकिन जिस दिन वास्तविकता में आपके आंख से आंसू जब आएगी, उस दिन पोंछने के लिए कोई नहीं। इसलिए अभी समय को सबसे पहले पढ़ो, अपनी जिंदगी सवारो, जिंदगी सुधर जाएगी, सारी दुनिया बिल्कुल आपको पूछेगा, अन्यथा कोई नहीं पूछेगा। इसलिए इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करें, और सबसे पहले आपका जो अभी काम है, सबसे पहला काम, उस काम को करें। हमको लगता है कुछ समझ में आई होगी बात, बहुत समझ में आई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज से आप लोग उसकी तैयारी कर दें, और इन्हीं शब्दों के साथ देखो, अभी तक हम लोग हम दो सर को सुन लिए, और बात सही भी है। देखिए वेदिया जी भी जो बात बोले उसमें कहीं 1% भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि बिना संघर्ष का कुछ नहीं हासिल होगा। और जीवित एग्जाम्पल आप तो देखिए ना, पना उलट के देखिए, वर्तमान में देखिए, भविष्य में भी देखिए, वैसे भी लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता था, नोबडी न्यू, लेकिन आज वो दुनिया के सेलिब्रिटी बने हुए। मैडम से मैं आग्रह करूंगा कि मैडम अपने आशीर्वचन, क्योंकि नया साल है, नई एक सुबह है, और नई सुबह में हिंदी का अगर दो शब्द नहीं मिले आपके जैसे हमारे, तो मैडम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मैडम आप अपने वचनों से बच्चों को जरूर कुछ उत्साहित करें। अच्छी तरह से हम लोग पहुँच पाए हैं, और हमें पुरानी बातों को छोड़ देना है, जो तुम्हारी पुरानी आदतें थी, जो अच्छी आदतें नहीं थी, उनको छोड़ देना है, और नए वर्ष में नए उमंग और नए जोश और नए विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। संघर्ष के बारे में भी सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आप लोग सभी कोई संघर्ष कर रहे हैं, सभी कोई संघर्ष करने के पश्चात ही किसी सफलता में को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप संघर्ष नहीं कीजिएगा तो किसी भी सफलता को प्राप्त करने में आपको बहुत कठिनाइयां होगी, और जिस ऊंचाई को आप छूना चाहते हैं उस ऊंचाई को नहीं छू सकते। इसलिए आप सबों से मैं निवेदन और प्रार्थना करती हूँ कि अपने जीवन को संवारने के लिए प्रत्येक दिन का जो दिनचर्या है, समय